तो कल होने वाला है WWE का पहला मंडे नाइट रॉ का एडिशन और ये होने वाला है रॉयल रंबल 2022 का फॉल आउट शो के लिए हम जानते हैं ऑलरेडी रोंडा राउजी, ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली और भी बहुत सी चीजें अनाउंस हो चुकी हैं। अब इतना ज्यादा ब्लॉकबस्टर, इतना ज्यादा बवाल जब मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हो तो रॉ का प्रीव्यू ना ऐसा हो नहीं सकता। तो जल्दी से बात करेंगे कल के मंडे नाइट रॉ के बारे में और क्या कुछ होने वाला कल के एक और धांसू मंडे नाइट रॉ के एडिशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जैसा WWE ने ऑलरेडी बात खुले आम ढिंडोरा पीट के अनाउंस कर डाली है कि कल के मंडे नाइट रॉ में हमारे इस साल 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के विनर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अपीयर होंगे और लेसनर हमें आते हुए नजर आएंगे ये बताने के लिए कि भैया रेसलमेनिया के अंदर किसे चैलेंज करेंगे। ऑफ कोर्स जो 30 मेंस रॉयल रंबल मैच का विनर होता है उसे मेन इवेंट करने का रेसलमेनिया के अंदर मौका मिलता है और वो जो इंसान है वो अपने मर्जी का एक चैंपियन को सिलेक्ट कर सकता है, चाहे वो यूनिवर्सल चैंपियन या फिर WWE चैंपियन में से कोई भी एक को सिलेक्ट करे। हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस जिन्होंने ऑलरेडी पंगा लिया रखा है ब्रॉक लेसनर के साथ में, तो पॉसिबली आप ये देख सकते हो भैया कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर लेसनर फाइनली चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को रेसलमेनिया 38 के लिए। पहला मैच ऑफिशियल होने वाला है, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस एक बार फिर से आमने सामने आएंगे इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। देखो मुझे क्या लगता है शायद WWE जो ब्रॉक और बॉबी की कहानी वो खत्म करती हुई नजर आएगी, वरना हो सकता था WWE कहती भैया हमारे लेसनर ने रॉयल रंबल जीत लिया और ऊपर से लेसनर एक फॉर्मर चैंपियन है तो उनके पास रीमैच क्लॉज भी है। लेकिन लग ऐसा रहा कि WWE दोनों ही सेपरेट चला सकती है या फिर पॉसिबली एक छोटी सी कॉन्फ्रंटेशन दोनों के बीच में हो सकती है, वरना अब मेरे हिसाब से दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और ब्रॉक बॉबी अलग अलग हो चुके हैं और ब्रॉक रोमन एक बार फिर से आमने सामने आएंगे रेसलमेनिया के अंदर। और ये चीज काफी अनएक्सपेक्टेड होगी अगर ब्रॉक अपना रेसलमेनिया का ओपोनेंट बॉबी लैशली को चुनते हैं। साथ ही बात करते हैं हमारी 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की विनर यानी कि राउडी रोंडा राउजी के बारे में। कल के मंडे नाइट रॉ के लिए रोंडा राउजी की जो अपीयरेंस है वो भी WWE ने अनाउंस कर डाली है और कल रोंडा राउजी आएंगी यहां पर अपना रेसलमेनिया का ओपोनेंट रिवील नहीं करेंगी बल्कि मेरे हिसाब से एक पॉसिबल कॉन्फ्रंटेशन करती हुई नजर आएंगी हमारी बिग टाइम बैग्स द मैन बेकी लिंच के साथ में। और जहां तक मुझे लगता है रोंडा राउजी की जो अनाउंसमेंट है WWE थोड़ा डिले कर सकती है ताकि पहले वो थोड़ा बहुत हमें फ्यूड दिखाती हुई नजर आए रोंडा और बेकी के बीच में, वो टीज करेगी भैया इन दोनों का मैच होने वाला है और आखिरी टाइम पे रोंडा राउजी सिलेक्ट कर लेंगी हमारी शार्लेट फ्लेयर को। साथ ही में ऐसा भी हो सकता है कि कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर हम सभी को एक सरप्राइज रिटर्न देखने के लिए मिले और मे बी आस्का या फिर एलेक्सा ब्लिस में से कोई एक फीमेल सुपरस्टार फाइनली आएंगी मंडे नाइट रॉ के अंदर। देखो हमने देखा 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में हम लोग बेली, पेज, एलेक्सा ब्लिस सभी का इंतजार कर रहे थे लेकिन इनमें से कोई भी नहीं आया। इवन जो आस्का तो मेडिकली क्लियर भी हो चुकी हैं और वो पूरे तरीके से फिट एंड फाइन भी है, तो मेरे हिसाब से WWE रॉयल रंबल के बाद जो पहला शो होगा मंडे नाइट रॉ का वहां पर लाती हुई नजर आएगी इन दोनों में से कोई एक फीमेल सुपरस्टार को, जो कि आके डेफिनेटली कन्फ्रंट करेंगी बेकी लिंच को और उनको चैलेंज करेंगे एलिमिनेशन चेंबर के लिए। ड्यू ड्रॉप के साथ में मैच ऑलरेडी हो चुका है, लिव मॉर्गन को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, बताया जा रहा है बियांका बेलेयर को रेसलर महीने के अंदर में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मेरे हिसाब से WWE एलिमिनेशन चेंबर के लिए एलेक्सा ब्लिस या फिर आस्का में से कोई एक फीमेल सुपरस्टार को मौका देगी बेकी लिंच के खिलाफ और एक शायद ये पॉसिबल आपको रिटर्न कल देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करते हैं हमारे न्यू WWE चैंपियन द ऑलमाइटी फॉर्मर लौंडियाबाज हमारे महामहिम बॉबी लैशली के बारे में। ऑलमाइटी एरा एक बार फिर से शुरू होने वाला है कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर और साथ ही में हो सकता है हमारे बॉबी लैशली लेसनर की कहानी खत्म हो और बॉबी लैशली की ऑलमाइटी एरा के जो पहले चैलेंजर हो सकते हैं वो हो सकते हैं हमारे फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स। मैं AJ स्टाइल्स की प्रेडिक्शन ऐसे हवा में नहीं कर दे रहा हूं लेकिन जिन लोगों ने पता है इस साल मेंस की रॉयल रंबल मैच के अंदर सबसे ज्यादा एलिमिनेशन AJ स्टाइल्स ने की, उन्होंने इस साल टोटल 6 एलिमिनेशन की हैं और ये सबसे ज्यादा एलिमिनेशन है इस साल की। प्लस यहां जो AJ स्टाइल्स है एक इंसान जो कि लगातार ऐसे छोटे मोटे चोने मोने से टैग टीम मैचेस के अंदर हार रहा था वो नंबर 1 पे आता है और नंबर 20 तक टिका रहता है उस मैच के अंदर और उसे जब लगातार फिनिशर पे फिनिशर चोक स्लैम पड़ता है बैक ब्रेकर पड़ता है तब जाके AJ स्टाइल्स एलिमिनेट होते हैं नो मैटर मैट क्या मॉस के हाथों चाहे एलिमिनेट हुए हों। लेकिन मेरे हिसाब से ये बात क्लियर करता है कि WWE एक बार फिर से हमारे फिनोमिनल वन को रीबिल्ड करना चाहती है, इसलिए शायद कल के मंडे नाइट रॉ में बॉबी लैशली और AJ स्टाइल्स आमने सामने आते हुए नजर आएंगे और एलिमिनेशन चेंबर को लेकर WWE कुछ बड़ी चीजें हमें कंफर्म करती हुई नजर आएगी। एज भी मेरे हिसाब से एक पॉसिबल अपोनेंट है, अगर लेसनर और बॉबी लैशली एक बार फिर से आमने सामने नहीं आते, दोनों के पाथ अलग हो चुके हैं, तो कल के मंडे नाइट रॉ में AJ स्टाइल्स या फिर कोई और बड़ा सुपरस्टार बॉबी लैशली को कन्फ्रंट कर सकता है और उनकी ऑलमाइटी की सेलिब्रेशन को हमें थोड़ा ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही में हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉयल्स भी मंडे नाइट रॉ का ही पार्ट है और जो चीज हुई रॉयल रंबल के अंदर पूरी शील्ड वाली इंटरेस्ट उसके बाद रोमन का ब्रूटल अटैक में भी ऐसा हो सकता है सेथ फ्रीकिंग रॉयल्स एक बैक स्टेज सेगमेंट में या फिर एक्चुअल में रिंग के अंदर आके एक प्रोमो कट करते हुए नजर आएंगे और मेरे हिसाब से वो ये बात कंफर्म करेंगे कि आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में वो एक बार फिर जाएंगे स्मैकडाउन के अंदर और वो कन्फ्रंट करेंगे रोमन रेंस को। चीजें मेरे हिसाब से कल के मंडे नाइट
ड्रॉ में काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। प्लस हमारे आर के ब्रो और अल्फा अकेडमी के बीच में एक स्कूटर रेस होने वाली है, तो देखते भैया हमारे ओटी स्कूटर चलाते कैसे और रैंडी ऑर्टन वाइपर एक स्नैप किस तरीके से चला सकते हैं स्कूटी और कितने ज्यादा वियर्ड हमारे रैंडी ऑर्टन लगते हैं। तो भाई ये कुछ था कल के मंडे नाइट रॉ का प्रीव्यू। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ये जस्ट मेरी प्रेडिक्शन और जो चीजें WWE ने अनाउंस की उसमें मैंने थोड़ा मिक्स कॉम्बिनेशन मिक्स मसाला करके जैसे लोग खाना बनाते हैं वैसे करके मैंने कुछ बना दी। मुझे नहीं पता मेरे खाने वाले मन में थॉट्स क्यों आ रहे हैं पता नहीं क्यों, लेकिन चलो वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर दो नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कर देना बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।